जब हम दान करें, हम भजन करें, हम माला करें, तीर्थ करें, जो भी करें, लेकिन उसके करने के बाद अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैंने भजन किया, मैंने कथा कराई, मैंने कथा की, मैंने कथा सुनी, तो ये भाव आते ही आपकी हमारी 7 दिन की करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कई लोग होते हैं खूब भक्ति करते हैं, दिखते हैं, देखने में लगता है खूब भजन करते, पर उनका प्रभाव उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि साथ साथ में अभिमान रूपी असुर उनके उस भजन को खाता रहता है। जैसे वो कहावत गई थी ना एक दिन, आधा बांटे जेवरी और पीछे बाछा खाए, वो बढ़ता जा रहा है, बछड़ा खाता जा रहा है, भजन एक तरफ करते जा रहे, दूसरी तरफ अभिमान उसे निगलता जा रहा है। इसलिए अभिमान बड़ा दुर्गुण है, और इतना बड़ा दुर्गुण है कि जो भक्ति की ध्वजा हैं गोपियाँ, उन तक को भी ये रोग लगा। और जैसे अभिमान आया, श्री कृष्ण इन समस्त गोपिकाओं को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए।